नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस में जो कि अब प्रोटेक्शन की ओर आएंगे तो आप लोगों की जो फ्यूचर है आईडीएस का है ये ऑन नहीं हो पाता है, ऑफ रहता है ये, तो इसको किस प्रकार से इसको हम ऑन करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि दिस पीसी में आप आएंगे और अपने सिस्टम में आ जाना है और इसके बाद आप लोगों की जो कि प्रोग्राम डाटा रहेगा उसको ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको एक फोल्डर देखना है जो कि नेट प्रोटेक्टर का रहेगा, उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर एक फाइल आते हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन के रहते हैं जो कि आईडीएस के नाम पर आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का आईडीएस का कोई फाइल नहीं है, तो इसको लाना कैसे होगा दोस्तों? तो आप लोगों को जैसे कि आईडीएस को ये जो ओपन एनपी आईडीएस व्यूवर है इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर देना है। तो दोस्तों ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे में हमारे जो आईडीएस का फाइल आ चुके हैं, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों एक कमांड को हमको टाइप करना है। ये कमांड हमारा दोस्तों, इसको आपको टाइप करना होगा और जैसे इसको हम इसको सेव करेंगे, इसको हम क्लोज कर देते हैं और जैसे इसको हम सेव करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो ये हमारा ऑन हो चुका है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो चुका है। और इसी प्रकार दोस्तों जैसे कि आपको प्रॉब्लम आता है तो आप लोग इस प्रकार का कमांड को आप लोगों को इंटर का टाइप करना होगा दोस्तों, जो कि आईडीएस के नाम पर रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग रहेगा और आप लोगों को इस कमांड को आपको पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है, तो ये आप लोगों का ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एंटीवायरस में जो कि प्रोटेक्शन के जो आईडीएस फीचर होते हैं इसको इसी प्रकार से इसको ऑन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।